झरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इम्तियाज अली की अध्यक्षता में आज टिगवाड़ी के गणेश मैदान में बड़ारी मोड़ तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। वहीं आज की इस भारत जोड़ो यात्रा में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि शमशेर आलम, संतोष सिंह, नवनीत नीरज, पंकज मिश्रा, जाहिर अंसारी, आसिफ राजा, अमन साव के अलावे दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए शामिल हुए। वहीं मौके पर उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने वर्तमान में केंद्र में मौजूद बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए सीबीआई ईडी का गलत उपयोग कर रही है। हम लोगों का भारत जोड़ो यात्रा टिगवाड़ी के गणेश मैदान से बरारी मोड़ चौक तक हम लोग लेकर आए। इसमें मुख्य रूप से हमारे सह प्रभारी माननीय श्री नवनीत नीरज सिंह जी, श्री पी के सिंह जी और AICC सदस्य बड़े भाई संतोष सिंह जी, पंकज मिश्रा जी और शमशेर आलम जी और अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष जाहिर रजा अंसारी जी और आसिफ रजा साहब, इन लोगों ने अमित सिंह जी, ये लोग सब लोग पहुंचे। क्या कुछ मकसद है इस यात्रा निकालने? मकसद है कि देश में जो बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ हमारे राहुल गांधी जो देश के 3600 किलोमीटर के यात्रा में निकले हैं और जिस जो जो राज छूटा है पूरे राज्य में हम लोग टुकड़ों में हर जगह हर प्रखंड में हम लोग निकाल के उस जो खाली जगह को भरने का काम हम लोग कर रहे हैं। यात्रा के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जब जब मोदी डरता है ईडी और सीबीआई को आगे करता है। रोजगार अगर नौजवान मांगता है तो ईडी और सीबीआई को ही आगे करते हैं। बेरोजगार आज परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान इनको ध्यान नहीं है। नफरत फैलाने के लिए इनके पास समय है। आज उसी को लेकर के हमारे राहुल गांधी जी जो भारत में जिस तरह से नफरत की जो राजनीति हो रही है इससे विकास न पड़े। नौजवानों को रोजगार जो मुहैया होना चाहिए था रोजगार मुहैया नहीं हो रहा। रोजगार अगर मांगता है नौजवान या किसान अपनी मजबूती मांगती है, मजदूर अगर अब मजबूती प्रदान मांगती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये नफरत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, सब इन्हीं मुद्दों को लेकर के। जब आज हमारे राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर के काश्मीर तक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, बेरोजगारी से नाता तोड़ो भारत जोड़ो को नारा के साथ हमारे राहुल गांधी चल रहे हैं। जहां जहां इस राज्य में राहुल गांधी नहीं आए हम कांग्रेस जन उनके समर्थन में पद यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। परिस्थिति को आप देख रहे हैं, उस स्थिति में आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय राहुल गांधी जी पद यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लिए निकले। उसी के तहत आज पूरे झारखंड में हर प्रखंड में पद यात्रा के लिए लोग अपने अपने प्रखंड में निकल रहे हैं। लोगों को ये अवगत करा रहे हैं कि आज जो भारत में परिस्थिति है, भाई भाई में लड़ाई है, हिंदू मुसलमान के बीच मतभेद किया गया हुआ है, लोग बेरोजगार हैं, लोग बेकार हैं, पैसे के लिए तरस रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम नरकीय स्थिति में है, लोग आने वाला समय में भोजन पर आफत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम विपक्ष में रहते हुए भी हमें ये कर्तव्य बनता है कि हम भारत की रक्षा करें और भारत की रक्षा के लिए हमारा नेता आज पूरे भारत में पद यात्रा करके लोगों को ये एहसास कराने का काम कर रहा है कि भारत टूट रही है, उसे जोड़ने की जरूरत है। और इसी के तहत आज झरिया प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली के नेतृत्व में हम लोग पूरे झरिया विधानसभा में पद यात्रा के द्वारा लोगों को आपस में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो के नारा देते लोगों में ये कांग्रेस पार्टी की ओर से एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग एक रहेंगे। तो ये जो मतभेद पैदा कर रहे हैं, जो देश में बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, लोगों को पैसा के बिना स्थिति गंभीर हो रही है, ऐसी स्थिति में हम मुकाबला करने के लिए हमें एक होने की जरूरत है।